अगर आप पानी में मनी प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा आप किस तरीके से मनी प्लांट को पानी में ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पौधा होता है जिसे आप अपने कमरे के अंदर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों का यह शिकायत होता है कि पानी में ग्रो करने के बाद उनका पौधा ठीक से ग्रो नहीं होता, धीरे धीरे सड़ने लगता है और पूरा पौधा ही खत्म हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी पौधा इस तरीके से खराब नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरोजीत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मनी प्लांट के कुछ कटिंग्स कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये कटिंग्स कितने ज्यादा हेल्दी हैं। आप हमेशा कुछ इस तरह का हेल्दी कटिंग ही कलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख ही सकते हैं जिस जगह से पत्ते निकलते हैं ये होता है नोड एरिया, और नोड एरिया के ऊपर से पत्ते निकलते हैं और नीचे से रूट्स निकलते हैं। आप हमेशा इस नोड एरिया को ढूंढिए, उसके बाद नोड एरिया के ठीक नीचे कुछ इस तरीके से इसको काट दीजिए। जितने भी कटिंग्स आप पानी में ग्रो करेंगे सभी कटिंग्स को आप सेम तरीके से इसको रेडी कर लीजिए। अब हम मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए कोई पॉट ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर कांच का ग्लास लिया है, आप चाहे तो प्लास्टिक के ग्लास में भी मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अब हम इस ग्लास को पानी से भर लेते हैं, आप चाहे तो बोतल में भी मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अब हम मनी प्लांट्स के कटिंग को कुछ इस तरीके से पानी के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखिए, ये जो पत्ता है ये कभी भी पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर ये पत्ता कुछ इस तरीके से पूरा ही पानी के अंदर चला जाता तो मैं इस पत्ते को हटा देता। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये जो पत्ता है पौधे का ये शायद पानी के अंदर ही चला जाएगा, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो मैं इस पत्ते को कुछ इस तरीके से हटा देता हूँ। आप हमेशा ध्यान रखिए कोई भी पत्ता पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये पूरा सड़ जाएगा। एक ग्लास में हम चार पांच मनी प्लांट के कटिंग्स लगा सकते हैं, इससे ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अब हम बात करते हैं मनी प्लांट का केयर के बारे में। कटिंग्स को लगाने के बाद सबसे पहले तो अपने पौधे को ऐसे जगह पर रख दीजिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना आए, लेकिन वो जगह ब्राइट हो, यानी ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में मनी प्लांट सबसे अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसीलिए अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर रोशनी तो हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना आए। अब अगर बात करें दूसरे केयर के बारे में तो अभी आपको अपने पौधे में कोई केयर करने का जरूरत नहीं है, अब बस अपने पौधे को एक ब्राइट जगह पर रख दीजिए। अब बारी है एक एक्सपेरिमेंट करने की। इस एक्सपेरिमेंट से मैं आपके साथ यही शेयर करूंगा, अगर हम अपने पौधे में गलत तरीके से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो अपने पौधे के साथ कितना बुरा हो सकता है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एनपीके फर्टिलाइजर ले लिया है। इस एनपीके फर्टिलाइजर को मैं एक ग्लास के पानी में कुछ इस तरीके से दे दूंगा। अब इसका रिजल्ट कैसा होता है वो तो आपको कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा, आपके लिए तो अभी आ जाएगा, मेरे लिए इसके लिए कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। 15 दिन के बाद का अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोनों ग्लास ही आपके सामने हैं। एक ग्लास में पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो किया है और दूसरे ग्लास में पौधा बिल्कुल मुरझा गया है और पौधे में बस एक ही पत्ता है। इस ग्लास में मैंने कोई फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया था और इसी ग्लास में पौधे का ग्रोथ कितनी अच्छी तरीके से हुआ है वो तो आप देख ही सकते हैं। और दूसरे ग्लास में पौधे का नामो निशानी नहीं है, पूरा पौधा ही सर चुका है। इसीलिए आप कभी भी इनिशियल स्टेज में यानी जब तक पौधे में ठीक से रूट्स ना आ जाए तब तक कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, इस सब का पौधा बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्योंकि जब पौधा हम ग्रो करते हैं तब उस पौधे में बिल्कुल भी रूट्स नहीं होते या फिर बहुत ही कम रूट्स होते हैं। उस स्टेज में अगर हम अपने पौधे में फर्टिलाइजर देते हैं तो फर्टिलाइजर पौधा ले नहीं पाता और इस वजह से वो फर्टिलाइजर ही पौधे को पूरा सड़ा देता है। इसीलिए जब तक आपके पौधे में ठीक से रूट्स ना आ जाए तब तक आपके पौधे में
कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब हम एक थोड़ा सा बड़े साइज का पॉट ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ml का एक प्लास्टिक का पॉट लिया है। आप चाहे तो फिश बाउल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पॉट में अब हम अपने मनी प्लांट्स को रख देंगे। यहाँ पर बड़ा पॉट इस्तेमाल करने का यही रीज़न है कि बड़ा पॉट इस्तेमाल करने से बार बार पानी बदलने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर आप ग्लास में पौधे को ग्रो करते हैं तो आपको हर 2 दिन में या फिर 3 दिन में ज़रूर पानी को बदलना पड़ेगा, नहीं तो आपका पौधा ठीक से ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़े साइज का पॉट का इस्तेमाल किया है। इससे मुझे हर 2 से 3 दिन में पौधे का पानी बदलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हर 7 से 8 दिन में अगर मैं पौधे का पानी बदल दूंगा तो भी ये चल जाएगा। अब हम बात करते हैं मनी प्लांट का केयर के बारे में। सबसे पहले तो अगर आपके पौधे को एक ब्राइट जगह पर ग्रो करेंगे और हर हफ्ते पानी को बदल देंगे तो फिर आपको दूसरा कोई केयर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पौधे में बहुत ही अच्छा ग्रोथ चाहते हैं, जैसे कि मेरे इस पौधे में आप देख ही सकते हैं, तो फिर आपको अपने पौधे में थोड़ा सा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप NPK फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप यहाँ पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पौधा पूरी तरीके से सड़ जाएगा, जैसा कि आपने वीडियो के शुरुआत में देखा ही था। NPK फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अब बस 2 से 4 दाने अपने पौधे में कर सकते हैं। 0.5 लीटर के पॉट के लिए 2 से 4 दाने काफ़ी रहेंगे। इसको आप हर महीने एक बार आपके पौधे में दे सकते हैं और पानी को आप लगातार 7 से 10 दिन में बदलते रहिए। तो इसी तरीके से आप मनी प्लांट को पानी में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे बेझिझक कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।